तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिप्सम के बारे में और जिप्सम के दो कॉमन मटेरियल्स जिनको लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है हमारे सिविल इंजीनियर्स को या फिर जो लोग वॉल फिनिश के लिए इन दोनों में एक ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। यानी कि पहला ऑप्शन होता है आपका POP पनिंग, और POP को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और दूसरा होता है हमारा प्री मिक्स्ड रेडीमेड जिप्सम प्लास्टर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो इसको आज हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और जिप्सम कैसे काम करता है तो उसकी प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जिसको मैं बहुत ही आसान सी भाषा में आपको समझाऊंगा कि इसका जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए और इन फ्यूचर कभी भी आपको किसी भी टाइप की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और इसी के साथ साथ अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हैं तो जिप्सम प्लास्टर के लिए अगर आप कराना चाह रहे हैं अपने घर में तो उसके लिए कॉस्ट को कैसे निकालना है तो उसके लिए एक रेडीमेड कैलकुलेटर मैंने बनाया हुआ है। आप अपने सिटी स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी प्राइसेस में आपको ये मटेरियल मिल रहा है उनके प्राइस फिल कर दीजिए, लेबर के रेट फिल कर दीजिए, आपके घर का जो बिल्टअप एरिया है आप वो डाल दीजिए, या फिर रूम वाइज भी अगर आपको डालना है तो वो भी ऑप्शन मैंने उसमें दिया हुआ है, और ओवरऑल कॉस्ट आपको वो निकल के बता देगा। तो चलिए फिर दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का जिप्सम कहाँ मिलता है। तो मैं बता दूं इंडिया में राजस्थान का जो बीकानेर का जिप्सम है वो सबसे सुपीरियर क्वालिटी का माना जाता है। यानी कि जितने भी टॉप मोस्ट आपके ब्रांड्स हैं तो उनकी जो माइनिंग है, उनकी फैक्ट्री है, वो आपकी या तो बीकानेर में, एक आपका हनुमानगढ़ और एक सरदारशहर, यानी कि इन तीन सिटी से मेजरली आपका मार्केट कवर होता है, जिसमें बीकानेर का सबसे सुपीरियर क्वालिटी का है। और बीकानेर में भी दो जगह हैं, एक है आपका खारा और दूसरा है दंतौर। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब एक्चुअली में जिप्सम को जब हम लोग बनाते हैं तो वहीं पर ही डिसाइड हो जाता है कि जो मटेरियल आपका बन के निकलेगा तो वो जिप्सम प्लास्टर में जाएगा या फिर POP में जाएगा। उसकी प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। देखिए जब कभी जिप्सम को माइनिंग किया जाता है यानी कि वो पत्थर होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपका जिप्सम स्टोन है, और इसकी प्रोसेस को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, जिप्सम की माइनिंग करी, इसके बाद में एटमॉस्फेयर से हो सकता है थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो उसमें तो उसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा हल्का सा ड्राई कर लेते हैं। इसके बाद में हमें उसकी करनी होती है मोटी मोटी ग्राइंडिंग, यानी कि जिसको हम लोग फर्स्ट ग्राइंडिंग भी बोलते हैं, जैसे कि बड़े बड़े ब्लॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। इसके बाद में उन्हीं टुकड़ों को हमें क्या करना होता है, उनका कैल्सिनेशन करना होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि फर्निस के अंदर उसको 150 डिग्री से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना होता है, और गर्म करने के बाद में उसमें केमिकल रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, और जब चेंज होने के बाद में हम उसकी कर देते हैं फाइन ग्राइंडिंग, यानी कि जो आपका पाउडर बन के रेडी होता है। अब यहाँ पर जिप्सम काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ तक ये वाली प्रोसेस में, ये वाली प्रोसेस में, ये वाली प्रोसेस में, ये आपका स्टोन ही था, यानी कि ये जिप्सम स्टोन ही था। जैसे ही आपने इसको फर्नेस में गर्म किया तो ये CaSO4 आपका चेंज हो जाता है CaSO4 हाफ H2O में, यानी कि इसमें जो 1.5 वाटर था वो आपका उड़ गया। अब आप लोग क्या करते हो कि जो पाउडर बन के रेडी हुआ है वो आपका ये वाला है। अब दोबारा जब आप लोग काम करते हो, कोई भी मटेरियल है, प्लास्टर करना है या फिर आपको किसी स्कल्पचर में काम करना है, तो जैसे ही पानी आप उसमें दोबारा ऐड करते हो और फिर से उसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होना होता है, तो जैसे ही इसमें आप प्लस वाटर को ऐड करोगे तो ये वापस दोनों को कॉम्बिनेशन करके अपनी स्टोन वाली कैटेगरी में वापस जाके कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग एक तो आपका जिप्सम काम करता है। अब यहाँ पर हम लोग कहाँ थे अभी कि उसकी हमने क्या करी, मटेरियल की फाइन ग्राइंडिंग कर दी। अब फाइन ग्राइंडिंग करते टाइम इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती हैं। देखिए फाइन ग्राइंडिंग जो आपका रॉ मटेरियल है, यानी कि अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो यहाँ तक ये रहता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि जिप्सम को लेके हमने ये पूरी प्रोसेस की, गर्म किया और यहाँ पर फाइन ग्राइंडिंग कर दी, यानी कि पाउडर बना दिया।
अब मैं क्या करता हूँ, इसी मटेरियल को मैं बनाना चाहता हूँ आपका जिप्सम प्लास्टर। तो इसमें हमें दो चीज़ें ऐड करनी होती हैं और दोनों ही मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हैं, यानी कि इसमें आपका ऐड होगा एग्रीगेट। तो एग्रीगेट कौन सा होता है, एक होता है आपका वर्मीकुलेट और दूसरा होता है आपका परलाइट। ये दोनों मटेरियल क्या हैं, ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरीके से सीमेंट सैंड के प्लास्टर में सीमेंट के साथ आप सैंड को मिक्स करते हो, उसी तरह जिप्सम के प्लास्टर में जिप्सम के साथ आपको वर्मीकुलेट या फिर परलाइट एग्रीगेट ऐड करना पड़ता है। और जैसे ही ये मटेरियल या फिर ये मटेरियल आपका जिप्सम के साथ ऐड किया जाएगा तो वो आपका जाके कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम प्लास्टर में। तो ये एक डिफरेंस है। अब वर्मीकुलेट और परलाइट टोटली वाइट मटेरियल होता है, ये बहुत ही लाइट वेट पोरस एग्रीगेट होता है और उसी के लिए ये आपका जिप्सम प्लास्टर में यूज किया जाता है। तो आई होप इतना जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जिप्सम प्लास्टर की एप्लीकेशन या फिर मेथोलॉजी के बारे में, कुछ टेक्निकल चीज़ें भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले एक जो डिसीजन लेना होता है कि घर में हम लोग सीमेंट प्लास्टर कराएं या फिर जिप्सम प्लास्टर कराएं, दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा, तो इसका डिसीजन ऐसे लेना है कि अगर आपके घर में किसी भी टाइप की सीपेज की या फिर किसी भी टाइप का मॉइस्चर की प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेफिनेटली जिप्सम प्लास्टर के साथ जाएं। ये आपको इकोनॉमिकल भी होगा और दूसरा आपको फास्ट काम भी करके देगा। तो यानी कि जिप्सम प्लास्टर का आपकी जो इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट या जितने भी फ्लैट्स में यूज करने का रीज़न ही यही है, एक तो फास्ट कंस्ट्रक्शन वर्क, काम आपका जल्दी होता है, इकोनॉमिकल होता है, टेम्परेचर और साउंड प्रूफ होता है, किसी भी टाइप का कोई भी श्रिंकेज या थर्मल क्रैक्स इसके प्लास्टर की वॉल में देखने को नहीं मिलते हैं। अगली चीज़ होती है ये फायर प्रोटेक्शन होता है इसका अप टू 4 आवर तक का, और स्ट्रेंथ जो होती है यानी कि इसमें क्यूरिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है जिप्सम प्लास्टर के केस में, जबकि सीमेंट प्लास्टर में जो स्ट्रेंथ है वो आपकी क्यूरिंग पे डिपेंड करती है। अब ये तो हो गया हमारे कुछ उसके जो बेनिफिट्स थे, अब इसको मिलाना कैसे है, यूज कैसे करना है वो बहुत ध्यान से समझना। कभी भी जिप्सम प्लास्टर को जब हम लोगों को मिक्स करना होता है साइट पर तो हमेशा आपको पानी के बकेट के अंदर, यानी कि आपने पानी जितना लिया है, कितना पानी, 7 parts of water और 10 parts of gypsum, तो 7 parts of water के अंदर में ये जिप्सम आपको मिलाना है, ना कि पानी को जिप्सम के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यानी कि ये पानी का बकेट भरा हुआ है तो इसमें आपको जिप्सम को डालना है और धीमे धीमे उसको स्टिर करना होता है और उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होने तक उसको अच्छे से पेस्ट बनाना होता है। इसके बाद में जो भी आपके जंक्शन के पॉइंट्स हैं, यानी कि ये आपकी ब्रिक की वॉल है, ये आपकी आरसीसी की बीम है यानी कि आरसीसी का सरफेस है, तो इसका ये वाला जो जंक्शन का पॉइंट है यहाँ पर आपको फाइबर या फिर चिकन मैक्स को यूज करना है। और दूसरा जो आरसीसी का सरफेस है उसकी ग्रिप को पकड़ने के लिए आपको हैकिंग ऑन आरसीसी सरफेस पे करानी, यानी कि आपको टकिंग करानी होती है। अब जब भी आपके रूम में या फिर जो भी जहाँ पर आप जिप्सम प्लास्टर करा रहे हो तो सबसे पहले मेसन को लेवल मार्किंग करानी है वॉल की, यानी कि वो पहले लाइन लेवल देख के लेवल मार्किंग के आपके जो बुंदे होते हैं या स्ट्रिप्स होती हैं वो लगाएगा, उसमें आपका जो प्लास्टर है वो बाद में उसको फिल करेगा, फिल करने के बाद में जब एक सा सरफेस हो जाएगा तो उसमें एक थिन स्लरी का कोट मार देगा फाइनल फिनिश के लिए, और उसके बाद में आपको उसको सूखने देना होता है 48-72 hours तक, और उसके बाद में आप उसमें प्राइमर मार के डायरेक्ट पेंट कर सकते हो। तो ये बहुत ही एक इजी प्रोसेस है, और जो भी कुछ बेसिक टेक्निकल चीज़ें थी जिप्सम प्लास्टर को लेकर या फिर आपकी पीओपी की पनिंग को लेकर वो मैंने आपको यहाँ पर समझाई। तो अब हम लोग चलते हैं जो हमारा कैलकुलेटर है, यानी कि जिसका मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो उसको कैसे यूज करना है, और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा जिप्सम प्लास्टर का कॉस्ट कैलकुलेटर है, और इसको बहुत ही ईजी वे में मैंने डिजाइन किया है कि कोई भी इसको आसानी से यूज कर सके। तो सबसे पहली चीज़ बता देता हूँ कि आपको आपके अपने लोकेलिटी में, सिटी में इन मटेरियल्स के रेट को पता करने हैं। जैसे कि
40 kg या फिर 25 kg का जिप्सम प्लास्टर का बैग क्या किस प्राइस में है? आपकी फाइबर या चिकन वायर मैश का प्राइस कितना है? मैसन का डेली का रेट कितना है? इसके बाद में जो हेल्पर है उसका डेली का रेट कितना है? तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली रो में, ब्लैक वाली रो में आपको मार्केट के रेट फिल कर देने हैं। इसके बाद में अगली चीज आती है कि जो काम है वो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कराना चाह रही हैं या फिर आप खुद ही लेबर हायर करके कराएंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कराएंगे तो उसकी प्रॉफिट का मार्जिन आपको यहाँ पर देखना है। जो भी आप चेंज करना चाहें, 10%, 15%, तो वो चीज आपको एडजस्ट करनी है। इसके बाद में आपको आना है फॉर हाउस फ्लैट कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर मैंने कुछ रूम्स एरियाज दिए हुए हैं जिनमें लेंथ और विड्थ सिर्फ आपको फिल करनी है और आपकी जो भी फ्लोर की हाइट है उसको यहाँ पर फिल करना है। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मैं मान लेता हूँ मेरा लिविंग एंड डाइनिंग रूम का साइज 15x20 फिट का है, तो और मेरी जो हाइट है वो 10 फिट की है, तो सीलिंग एरिया प्लस वॉल एरिया को कैलकुलेट करके यहाँ पर ये टोटल प्लास्टर को कैलकुलेट करके हमें बता रहा है। और इसी एरिया पे ये हमें बताएगा कि 40 kg के हमें 45 बैग परचेज करने होंगे, वायर मैश हमें 137 स्क्वायर फिट लानी होगी, इसमें जो मैसन है वो हमारे 12 लगेंगे, हेल्पर हमारे 12 लगेंगे, और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के थ्रू नहीं है तो ये इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पर स्क्वायर फिट कॉस्ट ये आपको 24 रुपए बता रहा है। सेम दूसरी केस हो सकता है कि अगर आपके जो बैग हैं वो 40 kg में ना मिलके 25 kg के मिल रहे हो, तो यहाँ पर ये बैग की क्वांटिटी भी चेंज कर रहा है और 25 kg का प्राइस है 180 रुपए। तो उसी के अकॉर्डिंग जो अमाउंट जो बन रही है इस रूम के लिए वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बता रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्राइस है वो 25 रुपए पर स्क्वायर फीट है। अब मैं मान लेता हूं कि जो मेरी फ्लोर की हाइट है वो 10 की जगह 11 फीट हो जाती है, तो ये अमाउंट आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और बैग की क्वांटिटी ये सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि जो लोग ये एरिया नहीं फिल करना चाहते हैं इस तरीके से, उनका कोई न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है और वो उनका जो टोटल एरिया है मैं मान लेता हूँ 900 स्क्वायर फीट है, तो वो वाली फिगर आप डायरेक्ट इसमें फिल कर सकते हो। तो 900 स्क्वायर फीट हाउस के लिए एक कोफिशिएंट बेसिस पर कितना प्लास्टर का एरिया बनेगा? 3526 स्क्वायर फीट। और उसी के अकॉर्डिंग कितनी टोटल कॉस्ट होगी, यानी कि 234 बैग प्रिक्योर करने पड़ेंगे, इतना उसका वायर मैश लगेगा, 39 मैसन, 39 हेल्पर, तो ये टोटल कॉस्ट को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बता रहा है। अगर आप हाइट को भी चेंज करते हो तो भी ये अमाउंट उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये बहुत ही एक इजी वे में है। 12 mm और 15 mm दोनों के लिए है। जिनकी वॉल में ज्यादा अंडुलेशन है वो 15 mm के साथ जाएं, जिनकी वॉल में अंडुलेशन कम है वो 12 mm के साथ जाएं। और जो हमारे सिविल इंजीनियर्स हैं उनके लिए जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है रेट एनालिसिस का, वो फॉर्मेट भी मैंने इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको जिप्सम प्लास्टर का जो एक कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। जाते जाते मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो मार्केट में जो जिप्सम प्लास्टर है वो दो कैटेगरी में मिलेगा, एक मिलेगा वर्मिकुलेट बेस्ड और एक मिलेगा परलाइट बेस्ड। मैंने बताया था कि वर्मिकुलेट से के कंपैरिजन में परलाइट की फिनिश जो है वॉल की वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और इसीलिए जब आप मार्केट में रेट पता करोगे तो इसका प्राइस कंपेयर टू 5 से 10% हायर साइड मिलेगा, लेकिन इसकी फिनिश काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री होती है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।